Hi guys, in the last lecture we are discussing the questions like fn is whether fn is bigger of gn, gn is omega of fn, these kind of stuff we are discussing. इस लेक्चर में थोड़ा एडवांस वर्जन सेम क्वेश्चंस का हम चेक करेंगे. कुछ और क्वेश्चंस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए जो गेट में मोस्टली पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन देंगे. ओके, लेट्स से fn इज बिगर ऑफ gn. दिस इज गिवन स्टफ. गिवन then whether you can say that 2 power fn is also big of 2 power gn. अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करने पड़ेंगे? तुम्हें fn gn खुद से इंट्यूशन से वैल्यू कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी. इंट्यूटिव माइंड यहां पे तुम्हारा काम है, कुछ लॉजिक वॉजिक वर्क नहीं करेगा. ओके, इंट्यूशन से तुमने सोचा fn को तुमने ले लिया n, gn को ले लिया 2n. ओके, द क्वेश्चन इज वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स. ओके, तो दिस fn इज बिग ऑफ gn, n इज बिग ऑफ 2n, नो इश्यूज इन दिस कांसेप्ट. ओके, सो 2 पावर fn, 2 पावर n इज बिग ऑफ 2 पावर 2n. दिस इज ट्रू बिकॉज दिस स्टेटमेंट, व्हेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, व्हेन 2 पावर n लेस देन इक्वल्स टू c इनटू 2 पावर 2n, ये हमेशा इससे ज्यादा ही होगा बिकॉज देयर इज पॉजिटिव n इनपुट, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा. तो तुम ये एक एग्जांपल सोच के इसे बोल दो ये ट्रू है. बट वी हैव टू चेक ऑल द केसेस. कौन से केसेस? अगर मान लो मैं सेम फंक्शन ऐसे लिख देता हूं, fn को मैंने 2n लिख दिया, gn को मैंने n लिख दिया, अगेन fn इज बिगर ऑफ gn, 2n इज बिगर ऑफ n, ये तुम्हें पहले बातों से पता है, पहले जितने भी क्वेश्चंस कराए. तो क्या 2 पावर 2n आल्सो बिगर ऑफ 2 पावर n? मींस टू से ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? 2 पावर 2n less than equals to c into 2 power n, 2 power n into 2 power n less than equals to c into 2 power n. C should be a positive constant, but here c is in the power of n, so this is incorrect. ये function कभी भी बड़ा नहीं हो सकता इससे. Okay, c को तुम power of n नहीं ले सकते, so this statement is false. False is correct answer. तो पेपर में चार ऑप्शन होगा, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो तुम्हें ये अप्रोच पूरा दिखा करके दिखाना पड़ेगा. ओके, वन मोर क्वेश्चन से, अगेन देयर आर टू फंक्शंस आर गिवन. ओके, व्हिच टू फंक्शंस? लेट्स से fn इज n into 1 plus sin n एंड gn इज n एंड gn इज n. You have to find relation between these two functions, whether fn is bigger of gn, whether gn is bigger of fn, or what is the relation between these two functions. Basically, जब ये sin n cos n आ जाए फंक्शन में, तो तुम्हें पता है sin n का ग्राफ क्या होता है. ओके, 360 डिग्री तक ग्राफ सेम होगा, उसके बाद सेम ग्राफ का बिहेवियर होगा. 0, 90, 180, 270, 360. This is 90. Okay. तो तुम 360 तक देखो कि फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, उसके बाद तो बिहेवियर सेम होगा. मतलब हमें ये करना है कि fn एक पर्टिकुलर n0 के बाद हमेशा बड़ा हो, या gn एक पर्टिकुलर n0 के बाद हमेशा बड़ा हो, ये डेफिनेशन है, या हमेशा छोटा, तभी तुम कुछ ओमेगा या बिग को कुछ बोल सकते हो, वरना नहीं बोल सकते. तो ठीक है, ये n की वैल्यू होगी 0, 90, 180, 270, 360. ये fn, ये g है. When n is 0, 0 power 1, 0. fn equals to gn. These two are equal. When n is 90, 90 into 1 plus sin 90. Sin 90 is 1. And gn is 90. So fn is greater at 90. At 180, what is the behavior? At 180 value is 0. This point is 180. Okay, at 180 value is 0, so this is 180, this is also 180. At 180 both these functions are equal. At 270 sin n is minus 1, so 270, 1 minus 1, this is 270. Now this is greater. At 360 again it is 0, 360 again equal. So मतलब इस पूरी रेंज में कभी fn बढ़ा रहा है, कभी gn बढ़ा रहा है.
तो ये दो फंक्शन को तुम आइसेम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी बोली, दीज टू फंक्शंस आर इनकम्पेरेबल आइसेम्प्टोटिकली, क्योंकि लेट से तुम आगे भी ले रहे हो, इतने पार्ट में इस फंक्शन का बिहेवियर सेम रहेगा। ओके, सो हमेशा हर पूरे क्वार्टर में यही बिहेवियर आएगा, कभी एफ एन बढ़ा कभी जी एन बढ़ा, हमें चाहिए एक पर्टिकुलर एन जीरो के बाद एफ एन हमेशा के लिए बड़ा हो या एफ एन हमेशा के लिए छोटा, तभी कुछ रिलेशन आता है, तो ये तुम कुछ नहीं कह सकते। लेट से डू इवन मोर क्वेश्चन और साइन एंड कोसन, लेट से द फंक्शन इज एन इंटू टू प्लस साइन एन एन इंटू कोसन। ओके, सो यू हैव टू टेल वेदर एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, जी एन इज बिग ऑफ एफ एन, बट ओके एक तो सीधी सी बात सोचो, साइन एन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, कोस एन की मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, तो ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी एन इंटू टू -1, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एन, इसकी मिनिमम इसकी मैक्सिमम की इक्वल है, मतलब एफ एन हमेशा जी एन से बड़ा होगा, एफ एन हमेशा जी एन से बड़ा होगा, तो तुम क्या लिख सकते हो, जी एन इज बिग ऑफ एफ एन, समझे ये रिलेशन कैसे है, शुड आई रिपीट अगेन। ओके, कैसे मैंने किया, अप्रोच क्या था, या एक बात और लिख सकते हो तुम, एफ एन इज ओमेगा ऑफ जी एन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने बोला साइन एन की मिनिमम वैल्यू और कोस एन की मैक्सिमम वैल्यू मैंने पुट की, स्टिल इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करने पे भी ये इससे बड़ा आ रहा है, ये बराबर आ रहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करने में भी, या वही 0 180 जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे चेक कर सकते हो, सेम आएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, सो कुछ आइसेंप्टोटिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज रहती है, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज। ओके, फर्स्ट एफ एन इज ऑलवेज बिग ऑफ एफ एन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिलेशन पढ़ोगे तो उसमें सब चीजें होगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, लेट्स इफ एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, दिस प्रॉपर्टी वैलिड फॉर थीटा ओमेगा। ओके, सेकंड, इफ एफ एन इज बिग ऑफ जी एन देन जी एन कैन नॉट बी बिग ऑफ एफ एन। ओके, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर ओमेगा बट फॉर थीटा दिस इज ट्रू, बट फॉर थीटा दिस सिमेट्रिक, दिस इज प्रॉपर्टी इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, रिलेशन पढ़ोगे तो तुम्हें सब पता पड़ेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी खाली थीटा की केस में ट्रू होगी, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये सब चीजें समझ नहीं आ रही तो भी इट इज फाइन, ठीक है, थोड़ा बोर हो रहे होंगे, इट्स फाइन। एफ एन इज बिग ऑफ जी एन, जी एन इज बिग ऑफ एच एन, देन एफ एन इज बिग ऑफ एच एन, दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ट्रू, चेक कर लेना सीधा ट्रांजिटिव है, एफ एन जी एन से छोटा, जी एन एच एन से छोटा, तो एफ एन तो एच एन से छोटा होगा ही होगा, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा होगा ही होगा, दिस इज दैट इज दिस प्रॉपर्टी, नथिंग एल्स, तो ये प्रॉपर्टी ये याद रखनी चाहिए। ओके, सो ऑन लास्ट क्वेश्चन इन आइसेंप्टोटिक एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड नो दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके